हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गिरीश शर्मा, एसोसिएट कंसल्टेंट एट आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 3, द्वारका। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज अल्टीमेट गाइड टू अ हेल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, टिप्स एंड सिम्टम्स यू नीड टू नो अबाउट यूटीआई। तो यूटीआई हमको कैसे हो जाता है और किस वजह से हो जाता है? तो यूजुअली बैक्टीरिया जब हमारे ब्लैडर को इन्फेक्ट कर देता है तब ये यूटीआई वाली प्रॉब्लम आती है। तो ब्रॉडली यूटीआई बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, पर ब्रॉडली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड रिकरेंट यूटीआई। तो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर होता है, जहाँ पे ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है पर लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है, इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर पेशेंट्स के साथ है तो ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कन्वर्ट हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं जिससे हमारी जो सिंपल यूटीआई है अनकॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बन जाएंगी? तो अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है या उनकी बनावट ऐसी है, उस वजह से यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। या फिर मेल जेंडर में अगर यूटीआई होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मानते हैं। प्रेगनेंसी में या फिर बच्चों में या चाइल्डहुड में जब यूटीआई होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मानते हैं। एल्डरली या फिर कोई जो आदमी है जो कैथेटर पे, उसमें अगर यूटीआई हो जाए तो उसको भी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मानते हैं। कभी कभी यूटीआई रिकरेंट यूटीआई भी कहा जाता है। रिकरेंट यूटीआई कब कहा जाता है? जब आदमी को या किसी भी पेशेंट को यूटीआई बार बार हो रहा हो। इसका डेफिनेशन क्या है? 6 महीने में अगर आपको 2 बार यूटीआई हो रहा है या साल में 3 बार यूटीआई हो रहा है तो आप रिकरेंट यूटीआई की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यूटीआई कितना कॉमन है? ये जैसे कि मैंने बताया कि मेल में यूटीआई ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, बट फीमेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन है। उनकी एनाटॉमिक बनावट ऐसी है कि उनमें ये यूटीआई कॉमन होता है क्योंकि उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। तो मेल्स के कंपेयर में 4 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल को यूटीआई होने के, और 40 to 50% ऑफ द फीमेल्स विल हैव 1 एपिसोड ऑफ यूटीआई ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सो अगर किसी को यूटीआई हो जाए तो क्या सिम्टम्स है जिससे हम पकड़ पाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? तो मेन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई आर डिस्यूरिया, जहाँ यूरिन करते समय आदमी को या पेशेंट को दर्द होगा। फ्रीक्वेंसी बार बार पेशाब आना, अर्जेंसी बार बार जाने का मन करना, पेशाब जाने का मन करना। सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट, जो ब्लैडर है और होता है वहाँ पे हमको बार बार दर्द होता है। या फिर कभी कभी बर्निंग मिक्चुरेशन की हम पेशाब करते समय हमें जलन होता है। कभी कभी यूटीआई में ब्लड भी आ जाता है, तो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हेमेचूरिया इज ऑल्सो यूटीआई। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सकता है जो पेशेंट कभी कभी इग्नोर करता है, उस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन में पहुंच जाता है। तो कैसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए? जैसे कि फीवर विथ चिल्स, कप कपी के साथ आपको बुखार आ रहा है, या बहुत ज़ोर से आपका प्लान पेन हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, नौजिया वॉमिटिंग आ रहा है आपको बार बार, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपकी यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो वंस आपको ये सिम्टम्स आए और आपको शक है ये आपको यूटीआई है, तो आप इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। आप हमारे यहाँ आकाश हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ आते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं और हम आपको प्रोविजनली यूटीआई के तौर पे डायग्नोस करते हैं। तो फिर हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई और द टिप्स यू शुड नो टू प्रिवेंट दिस बिफोर फॉर्मिंग अ फुल ब्लोन यूटीआई और अ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। एज सुन एज आपको ये यूटीआई के सिम्टम्स आने लगे तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है, अगर आप कुछ समझिए आप स्टोन डिजीज के पेशेंट हैं, तो स्टोन डिजीज के आप ट्रीटमेंट करवा लें ताकि आपको इस वजह से तो नहीं हो कि बार बार यूटीआई होने लगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर यूटीआई हो जाए तब भी आप प्रिवेंशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइप्स यूज़ करना। तो यूजुअली वी एडवाइज द वुमेन दे शुड यूज़ वाइप्स आफ्टर यूरिनेटिंग। तो वाइप्स यूज़ करने का भी तरीका होता है, फ्रंट टू बैक वाइप्स यूज़ करने चाहिए, ना कि बैक टू फ्रंट वाइप्स। अगेन पब्लिक टॉयलेट्स अगर अवॉइड कर सके अवॉइड कीजिए, क्लीन हाइजीन टॉयलेट यूज़ कीजिए। टब बाथ्स में बाथ लेना अवॉइड कर सकते हैं, शावर्स आर ऑल राइट। समटाइम्स द क्रैनबेरी जूसेज एंड ऑल हैव ऑल्सो प्रूवन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ यूटीआई, क्योंकि ये बैक्टीरिया के एडेशंस पावर को डिक्रीज करता है। तो क्रैनबेरी जूस आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और अगर आप इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं तो आप इंटरकोर्स करने से पहले और बाद में यूरिन करके जो बैक्टीरिया से उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। और आप अगर सिम्टम्स के बारे में जागरूक हैं और आप सही टाइम पे डॉक्टर से आते हैं तो ये एंटीटी से इजीली आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू।